आगामी चुनाव से पहले अब जैकेट पर जंग तेज हो गई है। नेहरू जैकेट बनाम मोदी जैकेट सुर्खियों में है। अभी कुछ वक्त पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए-इन के लिए तोहफे में नेहरू स्टाइल की जैकेट भेजी थी, लेकिन इस पर मोदी जैकेट का लेबल लगा था। मोदी जैकेट के लेबल वाली ये तस्वीरें सामने आने के बाद से ही देश का सियासी पारा गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर कई दलों ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए-इन जब जुलाई में भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि वो इन जैकेट में काफी शानदार लगते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें तोहफे में ये जैकेट गिफ्ट की। पीएम मोदी से मिली भेंट पर मून जाए-इन ने ट्वीट किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कुछ शानदार कपड़े भेजे। ये मोदी जैकेट के नाम से चर्चित पारंपरिक भारतीय परिधान के आधुनिक संस्करण हैं, जिन्हें आसानी से कोरिया में सिला जा सकता है। वे बिल्कुल जचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुद की और जैकेट की तस्वीरें भी शेयर की, लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया में आई, देश का सियासी पारा गर्मा गया। दरअसल नेहरू स्टाइल की जैकेट पर मोदी जैकेट का लेबल लगा है। इन तस्वीरों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को जैकेट भेजना अच्छी बात है, लेकिन इसे भेजने के पहले मोदी अपने नाम का लेबल क्यों नहीं हटा सके। अब्दुल्ला ने लिखा कि जब से उन्होंने होश संभाला है, इस जैकेट को नेहरू जैकेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोरियन राष्ट्रपति को जो जैकेट भेजी गई, उसमें मोदी का नाम लेबल पर लगा है। 2014 के पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। वहीं कांग्रेस ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार गेम चेंजिंग नहीं बल्कि नेम चेंजिंग सरकार है। वैसे आपको बता दें कि मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी जैकेट पर सियासत गरमाई थी। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ब्लैक कलर की जैकेट पहनने को लेकर बीजेपी हमलावर थी, क्योंकि उस जैकेट की कीमत 70 से 80 हजार के करीब बताई गई थी, जिसे लेकर बीजेपी ने राहुल पर पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।